हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, सुना, समझा और अपने परिवार वालों को शेयर किया, उसी तरह से आज मैं एक फिर से एक वीडियो एक डिजीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर न है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज हम बात करते हैं लीवर एब्सेस। अब जानेंगे लीवर एब्सेस क्या होता है, लीवर एब्सेस का मतलब क्या है। लीवर टिश्यू के अंदर एक मवाद बन जाना या पस भर जाना लीवर एब्सेस होता है। यह एक प्रकार का लीवर इन्फेक्शन होता है जो कि लीवर में एक या एक से अधिक एब्सेस हो जाते हैं। लीवर में एब्सेस होने के कारण किसी जीवाणु द्वारा फैलाया जाता है या लीवर एब्सेस होने का कारण जीवाणु द्वारा फैलाया जाने वाला इन्फेक्शन होता है। मुख्यतः इसमें दो सबसे आम प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, पहला बैक्टीरिया, दूसरा पैरासाइट इन्फेक्शन लीवर इन्फेक्शन के कारण होते हैं। इसमें कभी कभी फंगस इन्फेक्शन की वजह से भी आपको लीवर एब्सेस हो जाते हैं। को मैं फिर से रिपीट करके बताता हूँ आप लोगों को। लीवर एब्सेस का मतलब है लीवर के या लीवर के टिशू में मवाद भर जाना या पस भर जाना ही लीवर एब्सेस होता है। यह एक जीवाणु या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। लीवर में इन्फेक्शन या लीवर एब्सेस मुख्यतः बैक्टीरिया, जीवाणु या पैरासाइट के इन्फेक्शन के कारण, लीवर इन्फेक्शन के कारण ये रोग हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके लक्षण की। तो इसके लक्षण की बात करें तो ये पेट के ऊपरी हिस्से के दाहिने भाग में जहाँ लीवर आपका होता है वहाँ पर ये दर्द होता है। मैंने जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ गॉलब्लैडर स्टोन में जो कि लीवर में ही होता है, उसी तरह से मैं आज बात करता हूँ लीवर एब्सेस की जो आपके दाहिने साइड में पेट के ऊपरी हिस्से में होता है। वहाँ पर आपको दर्द होगा, उसके साथ साथ में आपको बुखार आएंगे और इसके अलावा आपको जी मचलेगा, इसके अलावा आपको भूख भी नहीं लगेगी, काफ़ी कमजोरी महसूस करना, कपकपी चढ़ना, ये लीवर के प्रमुख लक्षण हैं। कभी कभी ये एब्सेस फट जाते हैं जिसकी वजह से आपको एक फेफड़े के पास में या पूरे एब्डोमेन में या हृदय के पास में इसके मवाद फैल जाते हैं जिसकी वजह से आपको पूरे ऑपरेट ठीक करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है ये कि जिसकी वजह से अगर आपको कैसे, हाँ पहले इसको हम जानेंगे इसका पता कैसे चलेगा लीवर एब्सेस ही है। आपको सबसे प्रथम तो मैंने आपको बताया कि आपके ऊपरी दाहिने हिस्से में आपको दर्द होगा या उल्टी आएगी, जी मचलेगा, आपको बुखार आएगा, ये तो हो गया मेन लक्षण। अब हम बात करते हैं इसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत है। ईओजी ऑफ द हेल्थ एब्डोमेन, आपको अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत पड़ती है जिससे कि आपको क्लियर हो जाता है लीवर में एब्सेस किस पार्ट में है। पोस्टेरियर के निचले पार्ट, लीवर के निचले भाग में है, ऊपरी भाग में किस पार्ट में है, पोस्टेरियर है, इंटीरियर किस जगह है, आपको लीवर में पस या लीवर के टिश्यू में मवाद भरा पड़ा है। तो इसके लिए देखिए आपको जैसे कि आपका इलाज क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका एक इसको गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर ही देखते हैं। कभी कभी ये कम होने के, कभी कभी किसी लीवर में या लीवर एब्सेस किसी को कम देखने को मिलता है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक दवा से ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी यह लीवर एब्सेस एक ड्रेन द्वारा या पाइप द्वारा इसको निकाला जाता है। अल्ट्रासाउंड में मार्किंग करके इस लीवर एब्सेस को
एक ड्रेन के द्वारा या पाइप के द्वारा इसको बाहर निकल लिया जाता है। उसके बाद फिर इसमें एंटीबायोटिक भी चलती है। तीसरा, मैंने जैसे आपको बताया कि लीवर एब्सेस जो फट जाता है उसकी वजह से आपको पूरे लेप्रोटमी आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है, मतलब पूरे पेट की सर्जरी करानी पड़ती है, जिससे कि रोगी को या पेशेंट को बचाया जा सके। तो यह अब जानेंगे किन किन को इस लीवर एब्सेस का खतरा ज़्यादा रहता है। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, ये सबसे ज़्यादा एल्कोहली, मतलब जो ड्रिंकिंग या दारू ज़्यादा ज़्यादा पीते हैं, उनको ये रोग या लीवर एब्सेस होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। और दूसरी बात रही जिनकी इम्यूनिटी क्षमता या रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ही कम होती है, जैसा कि मान लीजिए एड्स वाले पेशेंटों में या एड्स वाले रोगी को रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, उनको भी हो सकता है। कैंसर वाले रोगी को भी यह रोग हो सकता है। तो ये रही लीवर एब्सेस के बारे में पूरी जानकारी। हाँ, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप अपने गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।